नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। शिक्षा विभाग डीपीसी को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। 27 अप्रैल सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी के साथियों, स्थायी वरिष्ठता सूची आखिर क्या मई में जारी होगी, महत्वपूर्ण अपडेट आपको आज दी जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हर प्रकार की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर बीकानेर से आज की महत्वपूर्ण अपडेट। शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड टीचर से व्याख्याता पदों पर प्रमोशन मई से पहले संभव नहीं। 1 मई से नया शिक्षा सत्र, इधर 38% स्कूलों में संस्था प्रधान ही नहीं, 96% वाइस प्रिंसिपल के पद भी खाली। बीकानेर सहित राज्य के अनेक जिलों में जिला समान परीक्षा के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, जैसा कि आपको विदित है। अब 1 मई से स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 24-25 शुरू होगा। स्कूलों में 1 मई से 16 मई तक प्रवेश उत्सव का प्रथम चरण चलेगा, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षकों के लिए अभी इंतजार करना होगा। वर्तमान में राज्य के स्कूलों में 38% संस्था प्रधानों के पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। वही अगर बात करें तो 96% वाइस प्रिंसिपल के पद खाली है। दरअसल वरिष्ठता को लेकर मामला न्यायालय में होने के कारण व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत हुए करीब 9000 शिक्षा अधिकारियों को नए स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिली है। पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल अभी भी व्याख्याता पदों पर कार्यरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी ओर वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की 3 साल की डीपीसी जो है बकाया चल रही है, मई से पहले संभव होती नजर नहीं आ रही है। अपनी मई माह की संभावना अधिक बताई गई है। स्थायी वरिष्ठता सूची को लेकर के और भी जानकारी दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने डीपीसी की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव होने के कारण केवल 3 मंडलों से ही आपत्ति निस्तारण की सूचना शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुई है। साथियों, पहले मुख्य कारण यही था कि लोकसभा चुनाव में जो है अधिकतर कार्मिकों की जो है यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें व्यस्त थे। तो अब 3 मंडलों की जो है सूचना आपत्ति निस्तारण है, तो जो 47,000 से अधिक पदों पर अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी हुई थी, और उसके बाद में 31 मार्च तक जो है आपत्ति निस्तारण, फिर 1 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इसमें 6 मंडलों से सूचना आना अभी तक बाकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, 3 साल की बकाया डीपीसी में शिक्षा विभाग को करीब 10,000 व्याख्याता मिलने की संभावना है। इधर बात करें तो 65,000 स्कूलों में आप देख सकते हैं इतने लाख जो है विद्यार्थी हैं यहाँ पर, राज्य के लगभग 65,000 सरकारी स्कूलों में। और शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 79,000 से अधिक पद खाली। राज्य के स्कूलों में अगर बात करें तो वर्तमान में प्रिंसिपल से लेकर के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 28% पद भी यहाँ पर खाली है। शिक्षा विभाग प्रिंसिपल से लेकर के अध्यापक कुल यहाँ पर देख सकते हैं 2,79,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान में 79,000 से अधिक पद खाली है। साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी हुआ था 4 अप्रैल को, उसमें भी खाली पदों का ब्यौरा जो है शिक्षा विभाग और अन्य कैटेगरी के टोटली अगर बात करें तो 1,43,000 पद खाली हैं। 3 साल की डीपीसी नहीं होने के कारण काफ़ी जो है पद नहीं भरे जा सके हैं, आप देख सकते हैं। और मोहसिन सलावत प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ रेष्टा, इसके अलावा कल भी आपको अपडेट दी गई थी कि शिक्षा मंत्री को भी जो है विभिन्न यहाँ पर शिक्षा संगठन जो है पत्र लिख रहे हैं कि जल्द ही जो है डीपीसी की यह प्रोसेस पूर्ण हो, नया शिक्षा सत्र अगले महीने शुरू होने वाला है। स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर के व्याख्याता के अनेक पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग को चाहिए कि बकाया डीपीसी जल्द से जल्द करवा कर रिक्त पदों को भरा जाए। तो साथियों, यहाँ पर 3 मंडलों की जो है सूची आपत्ति निस्तारण हेतु शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुकी है, 6 मंडलों की आना बाकी है। और इसमें मुख्य कारण यही था, लोकसभा चुनाव, अधिकतर कार्मिकों की जो है ड्यूटी उसमें लगी होना। अब अगर बात करें तो साथियों, लोकसभा चुनाव जो है यहाँ पर राजस्थान में 2 चरणों के हो चुके हैं, और अन्य मंडलों की सूचना मई माह में जो है पहुँच जाएगी, और उसके बाद में मई में पूर्ण संभावना यहाँ पर है, अगर समस्या का समाधान जो कई इसमें आपत्तियाँ भी हैं
और कोर्ट केस इत्यादि। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि मई में जो है स्थायी वृद्धता सूची जारी हो सकती है। फिर भी अगर कोई और अपडेट आएगी तो आपको उसे इस बारे में सूचित किया जाएगा। लगातार आपको चाहे मैगजीन्स के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग की अपडेट देते रहे हैं, और उम्मीद करते हैं संबंधित शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार से कि जल्द ही इस प्रोसेस को पूरी करें, जिससे कि नया सत्र और ये डीपीसी की प्रोसेस जल्द पूरी हो सके। साथियों, आज की यही अपडेट है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।